हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फोन ऐप का यूज़। और इस एप्लीकेशन के मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ कि कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है और किस फीचर को आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस ऐप को गूगल का ट्रू कॉलर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप ट्रू कॉलर और गूगल फोन ऐप में कन्फ्यूज़ हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल का ट्रू कॉलर ऐप है और ये मेरा फोन का सिस्टम का ऐप है, तो दोनों दिखने में एकदम सेम है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर गूगल का फोन ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये आपसे एक परमिशन मांगेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट एज डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जितने भी आपने इससे कॉल डायल किए हैं या फिर आपने रिसीव किए हैं, तो यहाँ पर सभी को ये डिटेल्स आपको दिखाएगा। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको नीचे एक लाइन दिख रही होगी जिसपे आपका फेवरेट डिजाइन और कॉन्टैक्ट। और फ्रेंड, जैसे ही आप इसके फेवरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वे नंबर आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे जो कि आपके फेवरेट हैं या आपने जिनको फेवरेट में ऐड किया हुआ है। और इसमें जैसे अगर आप इसी किसी नंबर को होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पर आपको वीडियो कॉल, मैसेज, रिमूव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। और उसके बाद फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट हैं, वहाँ पर आपको सेटिंग्स। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑप्शन। और फ्रेंड, डिस्प्ले ऑप्शन में आपको क्या होगा, शॉर्ट बाय, नेम फॉर्मेट, और यहाँ पर आपको अपनी थीम भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डार्क थीम, लाइट थीम और सेट बाय बैटरी सेवर, जो कि बैटरी के अकॉर्डिंग या बैटरी की पावर के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपको साउंड वाइब्रेशन, कॉलिंग अकाउंट, और कॉलिंग अकाउंट्स में आपका नंबर ही आपको दिखाएगा यूँ। और उसके बाद आपका ब्लॉक नंबर, जितने भी आपने इस एप्लीकेशन से जो भी नंबर ब्लॉक किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट डायलिंग, कॉलर आईडी एंड स्पैम। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलर आईडी एंड स्पैम, वो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सी कॉलर एंड स्पैम। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी आपके पास किसी स्पैम बंदे की कॉल आएगी, ये आपको अलर्ट कर देगा इस बंदे के लिए। और उसके बाद फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है फिल्टर स्पैम कॉल्स। तो ये आपको फिल्टर, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉल आएंगे उन सबको फिल्टर करके आपको बता देगा कौन सी कॉल स्पैम है और कौन सी कॉल आपके लिए सही है। और उसके बाद फ्रेंड, जैसे कि अगर आप बाइक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नियर बाय प्लेस। इसमें क्या होगा कि जब भी आपके आसपास से कोई भी कॉल करेगा तो ये आपको बता देगा कि वो बंदा आपके कितने ही पास है और कितनी दूर है। तो इसका ऑप्शन का काफ़ी फायदा है। और यहाँ पर भी आपको कुछ और ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट, तो ये आपकी गूगल की सर्च से रिलेटेड आपको भी दिखाएगा। और उसके बाद है लोकेशन परमिशन, तो आपको अगर इसको एप्लीकेशन को अपनी लोकेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखा है जिसका नाम है एडवांस। और फ्रेंड, एडवांस में लिखा है यहाँ पर फ्लिप टू साइलेंस, जिससे क्या होगा, जैसे अगर आपको कोई मीटिंग में है और आपकी एकदम कॉल आती है तो आपको क्या करना है, इस फ़ोन को उल्टा रख देना है अपने फ़ोन को किसी भी प्लान सरफेस पर, तो ये अपने आप आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा, जो कि इसका एकदम बेस्ट फीचर है, एकदम गेस्टर जैसा फीचर है। और फ्रेंड, सबसे बढ़िया इस एप्लीकेशन की बात क्या है, वो है कि जैसे कि मैंने आपको ट्रू कॉलर में बताया कि ट्रू कॉलर आपके नंबर को और उनकी डिटेल को अपने सर्वर पर अपलोड कर देता है। तो इसमें क्या होगा कि ये एप्लीकेशन आपका ऐसा नहीं करता, ये कि आपके किसी भी नंबर को अपने सर्वर पर अपलोड नहीं करता, जिससे आपका नंबर लीक होने की संभावना है ही नहीं इस एप्लीकेशन में। और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है कि इस एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि गूगल का ऐप है तो प्रोटेक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और तीसरी बात यह है कि इस एप्लीकेशन में ना ही ऐड आते हैं और ना ही इस एप्लीकेशन को आपका कोई भी प्रीमियम वर्जन खरीदने की ज़रूरत है। और फ्रेंड, गूगल फोन पे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल एप्लीकेशन, आप इसे सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना फ़ोन का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं गूगल का एप्लीकेशन। और फ्रेंड, फोन एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है और अदर एप्लीकेशन से। तो फ्रेंड, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।